साथियों, हम हर क्षेत्र में पावर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पर विश्वास करते हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे, इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। नागरिकों के लिए एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वो मुद्रा योजना के तहत कोलेट्रल फ्री लोन्स की बात हो या स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स की या जैम ट्रिनिटी से होने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, इन सभी में एक बात कॉमन है, ये देश के सामान्य नागरिक को वो अधिकार दिला रहे हैं जो उसे पहले मिलने मुश्किल थे। और निश्चित तौर पर इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक करीब 2,00,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है। हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स के पीछे भी यही थॉट है। 10,000 लैब्स के जरिए हम करीब 75,00,000 बच्चों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जोड़ पाए हैं। मुझे विश्वास है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में 100 5G यूज केस लैब्स शुरू होने के आज के अभियान से भी ऐसा ही एक व्याप बढ़ने वाला है। नई पीढ़ी को जोड़ने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। किसी भी क्षेत्र से हमारे युवा जितना अधिक जुड़ेंगे, उस क्षेत्र के विकास की संभावना और उस व्यक्ति के विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये लैब्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा अपनी एनर्जी, अपने एंथुजियाज्म और अपनी स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज से, मैं पक्का मानता हूं, आपको सरप्राइज कर सकते हैं। कई बार वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे काम करेंगे जिनके बारे में उस टेक्नोलॉजी को बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है, और ड्रोन का ये भी उपयोग हो सकता है। हनुमान जी को इस रामायण के जो मंचन हो रहा था ना, तो हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने ड्रोन पर हनुमान जी को भेजा। इसलिए ये अभियान हमारे नौजवानों में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।